खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते किसान आंदोलन की। तो 15 दिसंबर को गाजीपुर बॉर्डर छोड़ेंगे किसान। फतेह मार्च का राकेश टिकैत ने पोस्टर भी अब जारी कर दिया है। फतेह मार्च निकलने का आह्वान भी राकेश टिकैत द्वारा किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर से सिसौली तक यात्रा करेंगे राकेश टिकैत, साथ ही कल सुबह 9 बजे गाजीपुर बॉर्डर छोड़ेंगे राकेश टिकैत। पोस्टर इस वक्त बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से राकेश टिकैत ने पोस्टर भी जारी कर दिया। और इस पोस्टर में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से गाजीपुर बॉर्डर से प्रस्थान करने का ये पोस्टर है। और साथ ही इस पोस्टर में राकेश टिकैत की फोटो समेत ट्रैक्टर्स भी आप देख सकते हैं। और पोस्टर के नीचे रूट्स भी बने हुए हैं कि जो आखिरी रैली होगी वो कहाँ से कहाँ तक की होगी। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि 15 दिसंबर को गाजीपुर बॉर्डर छोड़ेंगे किसान। फतेह मार्च का राकेश टिकैत ने भी ये पोस्टर भी जारी कर दिया है। इसमें टाइमिंग के साथ डेट भी रखी गई और फतेह मार्च निकालने का आह्वान भी किया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जतिन जुड़ चुके हैं। आइए जतिन का रुख करते हैं। जतिन, आखिरी रैली ये होने जा रही है और इसका पोस्टर भी राकेश टिकैत ने जारी कर दिया है, क्या कुछ खास है इस पोस्टर में? देखिए, पोस्टर के बारे में निश्चित है वो अपनी जो विजय है उसे दर्शाना चाहते हैं। सभी किसान इस तरह की बातें भी पहले से कर रहे हैं और पोस्टर से ये बताने की कोशिश है कि किसानों की जीत हुई है और अब फाइनली किसान जो है वो बॉर्डर से हटने वाले हैं। तो ये पोस्टर भले ही उनकी जीत का एक संकेत वो देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये संकेत उन लोगों की, आम लोगों की राहत का भी है जो लगातार इंतजार कर रहे थे कि रास्ते खुले, क्योंकि बॉर्डर से जब उन्हें नहीं जाने दिया जाता था, एक डायवर्ट के रास्ते से लोगों को जाना पड़ता था, तो काफी मुश्किल होती थी। अगर हम गाजीपुर बॉर्डर की बात करें जो दिल्ली यूपी की सीमा है, तो यहाँ पर करीब 383 दिनों से जो रास्ता है वो बंद था और अब एनएचएआई ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। रिपेयर वर्क फिलहाल चल रहा है, पैच वर्क फिलहाल चल रहा है और ये कंप्लीट होते ही जो रास्ता है वो खुल जाएगा। इस बीच 15 तारीख को, क्योंकि राकेश टिकैत वापस अपने घर जा रहे हैं, सिसोली अपने गांव जा रहे हैं, तो गांव में भी उनकी तैयारी हो रही है, वहां पर भी एक बड़ा जुलूस जो है निकाले जाने की तैयारी है। और वहीं गाजीपुर बॉर्डर से जब राकेश टिकैत निकलेंगे तो यहां से भी काफी एक बड़ा जो जुलूस है माना जा रहा है कि वो निकलेगा। हालांकि बहुत ज्यादा किसान नहीं है, वो अपने घरों को जा चुके हैं, खासकर पंजाब के किसान, उत्तराखंड के किसान, लेकिन यूपी, खासकर पश्चिमी यूपी के जो किसान है वो अभी भी इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि राकेश टिकैत रुके हुए हैं। तो राकेश टिकैत के साथ वो फाइनली भी जो जत्था है चला जाएगा, उसके बाद आम लोग जो है उनका सफर पहले की तरह हो पाएगा। जी जतिन, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।